नमस्ते स्टूडेंट, मैं ऋषभ जैन इंजीनियर्स बक यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, मटेरियल की प्रॉपर्टी को पढ़ा था हमने, स्ट्रेस स्ट्रेन को पढ़ा था और इसके अलावा हमने कितने क्या पढ़ा था, हमने डिफरेंट टाइप्स के लोड को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक स्टील, कौन सा स्टील, माइल्ड स्टील को लेके हम उसकी टेंशन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे, टेंशन स्ट्रेंथ को हम उसको कैलकुलेट करेंगे, टेंशन स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। किसका यूज करेंगे अपन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करके हम किसको फाइंड आउट करेंगे, हम टेंशन टेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, हम टेंशन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कौन से मशीन के थ्रू, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है वो आपकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करके देती है और आपकी टेंशन स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करके देती है। जबकि यदि आप सीटीएम मशीन का यूज करते हो तो आपको ओनली फॉर कौन सी स्ट्रेंथ कैलकुलेट होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही फाइंड आउट होगी। जबकि यदि आप कौन सी मशीन का यूज करते हो, यदि आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करते हो तो आप कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर टेंशन स्ट्रेंथ के साथ साथ आप किसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्रेशन स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमें माइल्ड स्टील की यदि टेंशन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सी मशीन का यूज करना पड़ेगा, दिस टेस्ट कंडक्टेड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटीएम मशीन। कौन सी मशीन बोलते हैं, यूटीएम मशीन का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम टेंशन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूटीएम मशीन के थ्रू ही हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं और उसकी टेंशन स्ट्रेंथ को भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यदि हम इसके अंदर यदि टेंशन स्ट्रेंथ को यदि कैलकुलेट करना है यूटीएम मशीन के थ्रू, तो हमें सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि हमें जो स्पेसिमेन लेना है, जो हमें प्रैक्टिकल के लिए जो हमारा साइज लेनी है, क्या लेनी है, हमें जो साइज लेनी है स्पेसिमेन की, जो साइज लेनी है उसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें माइल्ड स्टील की किस साइज को हमें लेके यूटीएम मशीन के थ्रू हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी टेंशन स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले कर लेते हैं, हम स्पेसिमेन की साइज देख लेते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन बोले गए हैं हमसे स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, क्या आपको क्या डाया लेना चाहिए, आपको जो स्टील रोड जो ले रहे हो उसका डाया कितना होना चाहिए और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो किस शेप की होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद फिर हम उसकी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस ऑन स्पेसिमेन क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको लेने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो आपका स्पेसिमेन होगा वो कैसा होगा, आपका सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड होगी, कौन सा होगी, सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड होगी। एक बात तो क्लियर होगी कि आपकी जो स्पेसिमेन जो होगा वो किसकी होगी, एक सिलेंड्रिकल शेप पे होगी, कौन सी शेप पे होगी, सिलेंड्रिकल शेप पे होगी। दूसरी बात करता हूं मैं, सेकंड वन, ठीक है, जो गोज लेंथ जो होगी आपकी, गोज लेंथ जो होगी आपकी वो कितनी होगी, ये बोलते हैं कि आपको 2 इंचेस की आपको क्या लेनी है, गोज लेंथ लेनी है। गोज लेंथ आपको कितनी लेनी है, 2 इंचेस की लेनी है, जबकि उसका जो डायामीटर होगा, मिडिल डायामीटर, कौन सा डायामीटर, मिडिल डायामीटर जो होगा रोड का, मिडिल डायामीटर जो होगा वो कितना होगा आपका, 0.50 इंच का होगा, किसका होगा, 0.50 इंच का होगा। ठीक है, पहली बात मैंने क्या बोला, यदि आपको स्पेसिमेन लेना है तो आपकी जो रोड होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए, सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड होनी चाहिए। सेकंड चीज बात बोलू कि यदि उसकी जो गोज लेंथ जो होगी वो क्या होगी आपकी, 2 इंचेस की होगी, जबकि जो आपकी मिडिल डायामीटर जो होगा वो कितना होगा आपका, जो उस रोड का मिडिल वाला जो डायमीटर होगा वो कितना होगा आपका, 0.50 इंचेस का होगा। ठीक है, या फिर एक चीज और बोली गई, यदि आप इस साइज को नहीं लेते हो, इस साइज को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको एक चीज जरूर फॉलो होनी चाहिए,
कि जो आपका एल डी का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 0.40 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यदि आप बोलो कि सर मैं तो लेंथ कुछ दूसरी लेता हूं, डायमीटर भी कुछ दूसरा लेता हूं, बट उसका जो रेशियो है वो कितना आना चाहिए, एल बाई डी का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, 4.0 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक रोड है, ठीक है, तो गोज लेंथ क्या होगी, गोज लेंथ वो लेंथ होगी जो कि आप एक्चुअल में मेजर कर रहे हो, ठीक है, यहां से और यहां से तो फिटेड होगी, ठीक है, दोनों तरफ से वो जो रोड होगी वो दोनों तरफ से क्या होगी, इधर से फिट होगी, इधर से फिट होगी, तो जो ये आपको जो ये विजिबल जो नजर आ रहा है ये पार्ट, वही क्या होगी, जो आप मेजर कर रहे हो एक्चुअल में, वही लेंथ क्या होती है आपकी, गोज लेंथ कहलाई, क्या कहलाई, गोज लेंथ कहलाई, ठीक, ये आपका गोज लेंथ है, जबकि ये क्या है आपका मिडिल डायामीटर है, क्या है आपका, मिडिल डायामीटर है, मिडिल डायामीटर, ठीक है। नॉर्मली हम इसे कितना लेते हैं, 2 inches का लेते हैं, जबकि इसे हम कितना लेते हैं, 0.50 inch का लेते हैं, ठीक है। दोनों का रेशियो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एल बाई डी का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, 4.0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने स्पेसिमेन तो पता पड़ गया है, अब इसकी बात क्या कर रहे हैं, जब हम इसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स को अप्लाई करेंगे, और फोर्स को अप्लाई करते हुए क्या होगा, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन, एक लिमिट तक तो वो स्ट्रेंथ को बियर करेगी, और फिर उसके अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, देन फिर यदि उस डिफॉर्मेशन होते 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 देन फाइनली क्या हो जाएगी, वो फेलियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ ही क्या होता है कि उस यूटीएम मशीन में एक तरफ साइड में क्या होता है, एक कर्व, एक मशीन लगी होती है जिसके ऊपर एक ग्राफ पेपर होता है, जिसके ऊपर क्या होता है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, कर्व ड्रॉ होता जाता है। तो हमें जो स्टडी करनी है, हमें उसी की स्टडी करनी है, हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी करनी है। जब यूटीएम मशीन पे हम माइल्ड स्टील कर्व को रखेंगे और उसके थ्रू जो कर्व ड्रॉ होगा उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइल्ड स्टील कर्व पढ़ेंगे, जो कि किस किस के बीच में बनेगा, एक तरफ तो स्ट्रेस होगी और एक तरफ क्या होगी हमारी स्ट्रेन होगी। एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारा, एक्स एक्सिस पे तो स्ट्रेन होगी, जबकि हमारी जो वाई एक्सिस है उस पे क्या होगी हमारी स्ट्रेस होगी, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा वो किस अकॉर्डिंग बनेगा, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करना है, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करना है। पर मैंने उससे पहले आपको कुछ चीज़ बता दी है कि हम जो मशीन का यूज़ करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करने के लिए, उसकी टेंशन स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, तो हम वो कौन सी मशीन का यूज़ करेंगे, यूटीएम मशीन का यूज़ करेंगे। कौन सी मशीन का यूज़ करेंगे, यूटीएम मशीन का यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, और हमको जो स्पेसिमेन की जो हम साइज लेंगे या फिर किस प्रॉपर्टी का लेंगे, तो हम मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि उसके अंदर जो शेप होना चाहिए उसका, वो क्या शेप होना चाहिए, वो शेप होना चाहिए सिलेंड्रिकल शेप होना चाहिए उसका, सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बात करूं कि भैया उसकी जो लेंथ होनी चाहिए और जो उसका जो डायमीटर है, गेज लेंथ और जो उसके डायमीटर का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। या फिर जनरली वो यदि स्पेसिफिकेशन की भी आप पे बात करें तो वो कितना लेता है, 2 inches तो क्या होता है उसकी गेज लेंथ होती है, जबकि उसकी डाया की बात करूं रोड की डाया की तो वो कितना होता है, 0.5 inches का उसका डाया होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूँगा कि जब उसके अंदर मैं उसके ऊपर लोड अप्लाई करता हूँ या फिर जब मैं उसके ऊपर, तो वहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है और उस ग्राफ के बारे में हमें स्टडी करनी है। हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में स्टडी करनी है, किस करके, और उस वो उसमें भी कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको पढ़ रहे हैं, माइल्ड स्टील के कर्व को पढ़ रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइल्ड स्टील के स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर अपन उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम उसको एनालाइज करेंगे कि किस पॉइंट पे हमें इलास्टिक पॉइंट मिला है, किस पे प्लास्टिक मिला है, किस पे यील्ड हुआ है, किस पे उसके अंदर क्या हुआ है, जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और किस पॉइंट पे जाके वो क्या हुआ है, फेलियर हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन डाल दो, अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देन फिर वन बाय वन अपन उसको एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है माइल्ड स्टील का, आप डाल सकते हो क्या है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं किसका, माइल्ड स्टील का,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बात करें कि भैया इसके अंदर क्या होता है, दो डायरेक्शन होती है, एक तो एक्स डायरेक्शन है और एक मेरी वाई डायरेक्शन है। कौन कौन सी डायरेक्शन है, एक तो मेरी एक्स डायरेक्शन है और एक मेरी कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसे मैंने एक्स डायरेक्शन बता दिया है और इसे मैंने ये वक्त बोला है और इस एक्स डायरेक्शन में मैं किसको रखता हूँ, स्ट्रेन को रखता हूँ। किसको रखता हूँ, स्ट्रेन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकृति। क्या बोलते हैं, विकृति। और जिसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है। जबकि यहाँ पे यदि मैं बात करूँ आपको तो यहाँ पे मैं किसको लेता हूँ, स्ट्रेस को लेता हूँ। किसको लेता हूँ, स्ट्रेस को लेता हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में तो मैं किसको ले रहा हूँ, स्ट्रेन को ले रहा हूँ, जबकि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में किसको ले रहा हूँ, प्रतिबल को ले रहा हूँ। यहाँ पे इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। अब मैं सबसे पहले एक बार कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर अपन आगे बात करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, देखो पहले तो क्या होता है कि पहले तो ये लीनियरली चलता है, लीनियर चल रहा है, देट मीन रेखीय चल रहा है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा है, हमारा स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। तो मैंने पहले तो इस कर्व को लीनियरली ड्रॉ किया, लीनियर कर्व ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद फिर वो क्या हो गया है कि वो नॉन लीनियर हो गया, मतलब अरेखीय हो गया है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं लीनियरली, देन फिर ये क्या हो गया, कुछ इस टाइप का हो गया लीनियर, फिर क्या हो गया है, नॉन लीनियर हो गया है। एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इस पॉइंट पे पहुंचा है वो हमारे, इस पॉइंट पे पहुंच के लीनियर और नॉन लीनियर के बाद ये कुछ इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, देन फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये वापस से क्या होता है कि उसकी स्ट्रेस बढ़ के वापस से क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या होती है, पहले बढ़ती है स्ट्रेस, देन फिर वो रिड्यूस आती है और फिर उसके अंदर एक स्ट्रेस कॉन्स्टेंट रहती है और वो कंटिन्यूसली स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन बताता रहता है। तो वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, देन फिर वापस से क्या होता है कि फिर वापस से हम जैसे ही स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होता है और वो अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। और उस हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्या होता है, वो फाइनली क्या होता है, उसके बाद वो कभी भी फेलियर हो सकता है। क्या हो सकता है, कभी भी वो फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो मैं इन सभी पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, डोटेट कर देता हूँ। देखो जो कर्व मेरा स्टार्ट हुआ है वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जीरो पॉइंट से। उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो मेरा क्या है, जीरो पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि पहले तो वो कैसे चला है, पहले जो चला है वो लीनियर चला है। कैसे चला है, लीनियर चला है, लीनियर चला। दैट मीन्स क्या हुआ है कि जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाया वैसे वैसे क्या बढ़ती गई हमारी क्या बढ़ती गई है, हमारी स्ट्रेन भी बढ़ती गई। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या बढ़ती जाती है, स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है। तो जीरो से लेके ए पॉइंट तक की बात करूं मैं, जीरो से लेके ए पॉइंट तक की मैं बात करूं तो वो पॉइंट तो कौन सा कहलाएगा हमारा, जीरो से लेके ए पॉइंट तक का जो है इसको तो मैंने बोल दिया लीनियर है। कैसा है, यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, लीनियर कर्व है। कैसा कर्व है, लीनियर कर्व है। तो आप जीरो से लेके ए तक के पॉइंट को यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लीनियर कर्व बोल देता हूँ। कौन सा है, लीनियर डिफॉर्मेशन बोल सकते हो, लीनियर डिफॉर्मेशन बोल देता हूँ, लीनियर डिफॉर्मेशन बोल देता हूँ। ठीक है, और ए के बाद से लेके ए के बाद से लेके, ठीक है, इसे थोड़ा सा ए आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको ए को थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, अब ए से लेके बी तक का पॉइंट जो चला है वो कैसा चला है, नॉन लीनियर चला है। तो ए से लेके बी तक के पॉइंट को मैंने डिनोट कर दिया है आपका, यहां से यहां तक का जो है वो कैसा है, नॉन लीनियर है। कैसा है, नॉन लीनियर है, दैट मीन अरेखीय है। तो इसको आप बोल देते हो नॉन लीनियर कर्व। कौन सा, नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन। कैसा डिफॉर्मेशन है, नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन है। दैट मीन्स ये अरेखीय डिफॉर्मेशन है। कैसा है, अरेखीय डिफॉर्मेशन है। और इस कंप्लीटली इस लिमिट की यहां से जीरो से लेके बी तक की यदि आप बात करोगे तो वो कंप्लीटली क्या कहलाएगा आपका, वो कंप्लीटली आपका, मैं भले इसे साइड में रख देता हूँ कि भैया जीरो से बी तक की बात बोलोगे तो वो क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। कैसा डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि जैसे ही मैं आफ्टर रिमूवल लोड बी पॉइंट तक, बी अप टू बी पॉइंट, बी के बाद नहीं, अप टू बी पॉइंट, मतलब बोले तो कि बी पॉइंट तक यदि आप लोड को हटा दोगे तो वो वापिस से कौन सी पोजिशन में पहुंच जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजिशन में पहुंच जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि वो अभी अपनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन ही शो करेगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उसके अंदर जब लोड को मैं अप्लाई करने के बाद जैसे ही हटा रहा हूं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। डिफॉर्मेशन जो है वो वापस से परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है।
तो जीरो से लेके बी तक का जो पॉइंट कहलाएगा आपका, वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा? जीरो से बी तक जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो कैसा हुआ है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है। कैसा डिफॉर्मेशन हुआ है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है। कैसा डिफॉर्मेशन हुआ है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, जिसमें हमने लोड को हटाने के बाद भी वो अपने फर्दर वापिस से अपने ओरिजिनल पोजिशन में चल जाए बी पॉइंट तक। एक बात क्लियर होगी, ए और बी भी क्लियर हो जाए। यदि जीरो से लेके ए तक की बात करूंगा तो यहाँ पे हमें कर्व कैसा मिला? एकदम लीनियर कर्व मिला। जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे ही स्ट्रेन बढ़ती जा रही। दैट मींस आप ये याद रखो कि जीरो से लेके ए तक ही कौन अप्लाई हो पाएगा? हुक्स लो अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने हुक्स लो पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भैया हुक्स लो क्या होता है। हुक्स लो वो होता है कि जो स्ट्रेस किसके समानुपाती होती है, स्ट्रेस जो होती है वो समानुपाती होती है स्ट्रेन के, या फिर प्रतिबल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? स्ट्रेन के समानुपाती होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और देखो जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे एक चीज बढ़ती जाएगी वैसे ही दूसरी चीज बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स जो आपको हुक्स लो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जो हुक्स लो जो होता है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो पूछ लिया जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके बी तक, ए बी तक, या फिर और जीरो से लेके डी तक पॉइंट दे दे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली फॉर जीरो से लेके ए तक ही कौन सा लो फॉलो होता है? हुक्स लो फॉलो होता है। क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारा कर्व रेखीय कर्व या फिर लीनियर कर्व जो होता है वो कहाँ तक होता है? ओनली फॉर जीरो से लेके ए तक होता है। कहाँ तक होता है? जीरो से लेके ए तक होता है। उसके बाद तो वो नॉन लीनियर होता है। दैट मीन्स वहां पे तो हमारा समानुपाती वाली या प्रोपोर्शनल वाली बात तो रही नहीं, फिर तो अरेखीय हो गया। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि हुक्स लो जो फॉलो होता है, इसको नोट डाउन लिख दो, इंपॉर्टेंट लाइन करके लिख लो कि ओनली फॉर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही, या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ तक रहती है? जीरो से लेके ए तक। तो हुक्स लो भी वहां तक ही फॉलो होगा, इलास्टिक तक नहीं। आपको क्या आंसर देना है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वो हुक्स लो फॉलो करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। जीरो से ए भी समझ में आया, जीरो से लेके बी भी समझ में आया, और ए से लेके बी भी समझ में आया। फर्दर आप क्लासीफाई कर सकते हो, जीरो से ए प्रोपोर्शनल लिमिट लीनियर कर्व, जीरो से बी कंप्लीट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ए से बी भी यदि आपसे पूछे तो ये बोला नॉन लीनियर कर्व। नॉन लीनियर कर्व दैट मींस की बात की जाए कि जीरो से लेके ए से लेके बी तक, तो यहाँ पे जो हमें कर्व मिल रहा है वो अरेखीय मिल रहा है। मतलब कुछ टाइम पे स्ट्रेस कम बढ़ रहा होगा, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रही होगी, दैट्स इट। तो ये हमें कैसा मिल रहा है? अरेखीय कर्व मिल रहा है। अब इसके बाद हमें दो पॉइंट मिलेंगे, कौन से? बी के बाद हमें दो पॉइंट मिले, और वो दो पॉइंट क्या है? दो पॉइंट है मेरे, एक तो है सी डैश और एक है मेरा सी। कौन कौन से मिले? एक तो मिला है मुझे सी डैश, और एक तरफ मुझे जस्ट इसके नीचे जो मिला है मुझे फर्दर कम होगी वहां पे, मतलब स्ट्रेन, पहले तो बड़ी स्ट्रेन, सॉरी बड़ा स्ट्रेस, और स्ट्रेस बढ़ने के बाद फिर सडनली क्या हो रहा है? मेरी स्ट्रेस कम हो रही है, और वो हो रही है मेरी सी, हो रही क्या हो रही है मेरी सी। तो ये सी और सी डैश जो है मेरी, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? सी और सी डैश जो पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सी डैश जो होता है वो तो होता है मेरा अपर यील्डिंग पॉइंट। क्या होता है मेरा अपर यील्डिंग पॉइंट? होता है क्या होता है अपर यील्डिंग पॉइंट, या फिर यील्ड पॉइंट भी हो सकते हो। कौन सा होता है? अपर यील्ड पॉइंट होता है। जबकि जो मेरा सी होता है ये कौन सा होता है? मेरा लोअर यील्ड पॉइंट होता है। कौन सा होता है? मेरा लोअर यील्ड पॉइंट होता है। याद रखना आपको अपर और लोअर आपको पता होना चाहिए, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ठीक है। मैं आपको रीजन बताऊंगा कि किस रीजन की वजह से क्या हो रहा है भैया ये पॉइंट मुझे शो हुए हैं। तो पहली बात तो यील्ड पॉइंट को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु बोलते हो। क्या बोलते हो? पराभव बिंदु बोलते हो। डिप्लोमा वाले बच्चे लिख सकते हैं यील्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु बोला जाता है। क्या बोलता है? पराभव बिंदु बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं कि भैया लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट कैसे बने। तो आप एक चीज याद रखें कि जो भैया माइल्ड स्ट्रेंथ के अंदर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कार्बन एटम करता है। जितना कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। तो क्या होता है कि जब माइल्ड स्टील को अपन यूटीएम मशीन में रखते हैं और उसके ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं, देन उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रो होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो रोड के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं उसके अंदर क्या होती है? एक टाइम पे तो वो
दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं कार्बन एटम, तो क्या होता है वहां पे तो वो ज्यादा स्ट्रेन शो करते हैं, लेकिन देन फर्दर वो क्या होते हैं एक दूसरे से, वो कार्बन एटम क्या होते हैं स्लिप कर जाते हैं एक दूसरे से, जिससे कि क्या होती है एक बार स्ट्रेस बढ़ के वापिस से क्या हो जाती है कम हो जाती है उसकी स्ट्रेस। तो पहले तो एक बार तो सी डैश पे जाता है जो कि अपना क्या होता है यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है, एंड देन फर्दर फिर वापस से सी पे चल जाता है जो कि हमारा क्या होता है लोअर यील्ड स्ट्रेस होती है। कौन सी यील्ड स्ट्रेस होती है? लोअर यील्ड पॉइंट होता है, और इसमें जो स्ट्रेस मिलेगी वो कौन सी होगी आपकी, कौन सी स्ट्रेस होगी आपकी, वो होगी आपकी लोअर यील्ड स्ट्रेस होगी। अब मैं यदि आपसे बोलूँ कि आरसीसी डिजाइन के अंदर जो आप यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं एफआई बोलते हो वहाँ पे, तो आप लोअर यील्ड स्ट्रेस की बात करते हो, आप अपर वाला नहीं लेते हो, आप लोअर वाला ही लेते हो, तो लोअर यील्ड की स्ट्रेस की आप बात करते हो। इस पॉइंट पे जो आपको स्ट्रेस मिलेगी मैं बताऊंगा आपको वो कैसे हो। एक चीज तो क्लियर, सी डैश और सी क्या होता है, सी डैश तो क्या होता है, सी डैश जो होता है वो मेरा अपर यील्ड पॉइंट होता है, और सी जो होता है मेरा वो लोअर यील्ड पॉइंट होता है। सी डैश क्या होता है, सी डैश तो अपर यील्ड पॉइंट होता है, और सी जो होता है मेरा वो लोअर यील्ड पॉइंट होता है। और इसके बाद पहली बात तो चीज बात की पराभव यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है उसके सिनेरियो को यदि मुझे देखना है, तो इसके बाद जो हमें सिनेरियो मिलता है वो सिनेरियो क्या मिलता है कि उसके बाद आप भले स्ट्रेस तो नहीं बढ़ेगी, भले उसके अंदर स्ट्रेस आप लोड अप्लाई मत करो, तो भी क्या होता जाएगा उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता जाएगा। क्या आता जाएगा उसमें? डिफॉर्मेशन आता जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन देट मीन विकृति बढ़ती जा रही है या स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, बिना स्ट्रेस को बढ़ाए क्या बढ़ती जा रही है, उसमें विकृति बढ़ती जा रही है, जो कि हमारा ये पार्ट है। और इसे मैं क्या कर देता हूँ, सी और डी कर देता हूँ। कौन सा पार्ट है मेरा? सी डी पार्ट है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पठार बोल सकते हैं। और ये कौन सा पठार है? प्लास्टिक पठार है। क्या है? प्लास्टिक पठार। क्या है ये मेरा? प्लास्टिक पठार है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, प्लास्टिक प्लेटू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टिक प्लेटू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टिक प्लेटू, ठीक है। लेकिन अपन प्लास्टिक प्लेटू के बारे में यदि मैं बात करूं, उससे पहले मैंने सी और सी डैश तो आपको बता दिया, और सी और सी डैश का मैंने रीजन बता दिया कि अपर यील्डिंग पॉइंट लोअर यील्डिंग पॉइंट कार्बन एटम के ड्यू टू कार्बन एटम स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस पोजीशन वाज क्रिएटेड, दिस पोजीशन इज क्रिएटेड, है ना, दिस प्रॉब्लम आर क्रिएटेड बिकॉज सी एंड सी डैश पॉइंट बनते ही किस वजह से, कार्बन एटम के स्लिपिंग होने के कारण, ठीक है, ये चीज हुई। अब एक आप बात याद रखो कि बी के बाद से, क्या बात बोल रहा हूं मैं, बी के बाद से लेके आफ्टर फेलियर पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, अब वो किस रीजन में चल गया है, वो अब प्लास्टिक रीजन में चल गया है। किस रीजन की बात कर रहा हूं मैं? अब वो जो रीजन में गया है वो रीजन कौन सा है हमारा? वो रीजन में गया है वो है हमारा प्लास्टिक रीजन। बी के बाद फर्दर बी अप टू बी तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी तक की बात करूं, जीरो से लेके बी तक की, तो भैया यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। कैसा डिफॉर्मेशन है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे यदि फोर्स को हटा दोगे, स्ट्रेस को हटा दोगे, तो वो वापस से अपनी कौन सी पोजीशन में पहुंच जाएगा? वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाएगा। लेकिन यदि आप क्या चाहो, यदि आप चाहो कि मैं इस फोर्स को बी के बाद, यदि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर बी के बाद वाले पॉइंट पे यदि पहुंच जाऊं, जैसे सी पे पहुंच जाऊं, डी पे पहुंच जाऊं, या बी से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाता हूं, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस वो किधर चल जाएगा? प्लास्टिक रीजन में चल जाएगा। किस रीजन में चल जाएगा? प्लास्टिक रीजन में चल जाएगा। तो बी के बाद से जो कंप्लीट जो ये पार्ट है मेरा, ये कौन सा पार्ट होता है? ये मेरा प्लास्टिक रीजन पार्ट कहलाता है। कौन सा रीजन पार्ट कहलाता है? प्लास्टिक, बी के बाद वाला प्लास्टिक है, जबकि जीरो से लेके बी तक का पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है मेरा? इलास्टिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है मेरा? इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक पार्ट है, जबकि बी के बाद वाला जो पार्ट है वो मेरा कौन सा पार्ट है? प्लास्टिक पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको बी के बाद वाली चीज तो अपन फिर फर्दर अपन लिख लेंगे, उसे पूरा कंप्लीट इसे नोट डाउन कर लेंगे, पर अभी अपन समझते जाते हैं कि किस पॉइंट पे क्या क्या बोलते हैं, किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, और किस पॉइंट पे कैसे रीजन की वजह से क्या चीज जनरेट हो रही है, वो चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको यील्ड पॉइंट बता दिया, और यील्ड पॉइंट की बात क्या होता है कि आप यदि स्ट्रेस को नहीं भी बढ़ाओगे तो भी क्या बढ़ती जाएगी आपकी विकृति बढ़ती जाएगी। विकृति जो है या फिर स्ट्रेन जो है या फिर डिफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूसली आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस सी से लेकर डी पॉइंट को आपको बोलना क्या है, तो मैं बोल देता हूं, इस पार्ट को अपन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? प्लास्टिक प्ले, क्या बोलते हैं इसे अपन? प्लास्टिक प्लेटू बोलाते हैं। क्या बोलाता है? सी से लेके डी तक का जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है? प्लास्टिक प्लेटू कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टिक प्लेटू।
मतलब प्लास्टिक पठा रहे, मतलब दैट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस मतलब डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। इसको आप प्लास्टिक यील्डिंग प्लेटू बोलते हैं या यील्डिंग प्लेटू बुलाता है, पर आप सिंपली इसे याद हो प्लास्टिक प्लेटू बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, सी से लेकर डी तक का पार्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, सी से डी तक का पार्ट हो गया। अब क्या हुआ, यदि हमने उसके ऊपर और लोड बढ़ाया और स्ट्रेस बढ़ी उसकी, तो क्या होगा कि वापस से उसके अंदर क्या होगी, स्ट्रेन हार्डनिंग होगी। स्ट्रेन हार्डनिंग होगी, दैट मीन्स क्या होगा कि उसके अंदर और डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। तो ये जो मेरा डी से लेके ई तक का जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, वो पॉइंट जो मेरा कहलाएगा डी से लेके ई तक का जो पॉइंट है वो रीजन जो कहलाएगा वो मेरा कहलाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। कौन सा रीजन कहलाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग, हार्डनिंग रीजन। कौन सा रीजन है मेरा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहलाएगा। कौन सा रीजन कहलाएगा मेरा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहलाएगा। इसे आप देख लो एक बार, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। कौन सा रीजन है मेरा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। दैट मीन्स जहाँ पे मैं फिर वापस से कर रहा हूँ और फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ और स्ट्रेस बढ़ रही है उसकी, जिसकी वजह से साथ साथ में क्या बढ़ती जा रही है, मेरी स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब दो पॉइंट आपको इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ। एक तो पॉइंट बताता हूँ मेरा यील्ड स्ट्रेस वाली बात करूंगा, और एक मुझे मिला है हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हो, या फिर मैक्सिमम पॉइंट मिला है। कौन सा मेन मिला है, मैक्सिमम पॉइंट मिला है। कौन सा पॉइंट मिला है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो मिली है वो हमें किस पॉइंट पे मिली है, ई पॉइंट पे मिली है। क्योंकि इसके बाद यदि जैसे ही आपने स्ट्रेस को बताया बढ़ाया तो हमारा क्या होगा कि हमारी जो स्टेल होगी वो क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। जो हमारा जो माइल्ड स्टेल है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उससे पहले मैं यील्ड पॉइंट पे मुझे क्या स्ट्रेस मिलती है वो मैं पढ़ लेता हूँ, और मुझे हाईएस्ट मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी मिली है किसके अंदर, ई पॉइंट पे, वो मैं लिख लेता हूँ, देन फिर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो बता रही, डी से ई पे क्या हुआ है कि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेस बढ़ रही है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ई पॉइंट वो पॉइंट है जो कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपने स्ट्रेस को बढ़ाया है तो वो आपका माइल्ड स्टील जो है वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते अपन, ये जो स्ट्रेस है इसको, तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रेस मिलेगी माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ ओनली फॉर, तो वो कितनी होती है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कितनी होती है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलती है आपको माइल्ड स्टील के लिए। आपसे पूछे माइल्ड स्टील की जो यील्ड स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन के रूप में कितनी मिलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, जबकि यदि मैं बोलूं आपसे कि उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस, ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, क्या बोलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, एफ वाई और एफ यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस को आप किससे डिनोट करोगे, एफ वाई से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो, एफ वाई से डिनोट करते हो। जबकि आप अल्टीमेट स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हो, एफ यू से डिनोट करते हो। और ई पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिलेगी वो कौन सी स्ट्रेस कहलाएगी, आपकी यील्ड स्ट्रेस कहलाएगी। कौन सी स्ट्रेस कहलाएगी, आपकी यील्ड स्ट्रेस कहलाएगी। तो आप ई पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि जो आपको स्ट्रेस मिलती है अल्टीमेट स्ट्रेस, और अल्टीमेट स्ट्रेस को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एफ यू से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ, एफ यू से डिनोट करता हूं, और वो आपको कितनी मिलती है, 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कितनी मिलती है, 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, सी सी डैश पे मिली यील्ड स्ट्रेस, बी तक मिलेगी आपको परमिसिबल स्ट्रेस या इलास्टिक स्ट्रेस मिलेगी, और आपको ई पॉइंट पे जो मिली वो कौन सी स्ट्रेस मिली है, अल्टीमेट स्ट्रेस मिली है। तो आप ये याद रखना, ई पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिली वो कौन सी स्ट्रेस मिली है, अल्टीमेट स्ट्रेस मिली है। कौन सी स्ट्रेस मिली है, अल्टीमेट स्ट्रेस मिली है, अल्टीमेट स्ट्रेस आपको मिली है। सी और सी डैश पॉइंट, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट। अब इसके बाद क्या हो रहा है, नेकिंग रीजन बन रहा है। कौन सा, नेक बन रही है, एक तरह से नेक बोल सकते हैं आप, नेक मतलब गर्दन टाइप बन रही है, और देन फो एफ पे जाके क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, फेलियर हो रहा है। तो एफ पॉइंट जो है आपका वो कौन सा पॉइंट है, आपका फेलियर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है, और इस रीजन को आप क्या बोल सकते हो, नेकिंग जोन बोल सकते हो। कौन सा जोन बोल सकते हो, नेकिंग जोन बोल सकते हो, नेकिंग जोन बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर या पास्ट मैक्सिमम स्ट्रेस रीजन। क्या बोल सकते हो कि मैक्सिमम स्ट्रेस या हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस देने के बाद, वो उसके बाद जो हमें रीजन मिला है, वो उसके बाद रीजन जो है वो कौन सा रीजन है मेरा, नेकिंग जोन है, या फिर नेकिंग जोन आप बोल दो बेटर है। और एफ जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है मेरा, फ्रैक्चर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है,
एफ जो है मेरा वो फ्रैक्चर पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है मेरा? एफ जो है वो मेरा फ्रैक्चर पॉइंट है, और ई जो पॉइंट है वो मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस है. सी से लेकर डी तक प्लास्टिक प्लेटू मिला है. क्या मिला है मुझे? प्लास्टिक पटा मिला है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रही, और क्या बढ़ती जा रही? कंटिन्यूसली मेरी स्ट्रेन बढ़ती जा रही, डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता जा रहा है. सी और सी डैश जो पॉइंट है वो मेरे कौन से? अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट है. जीरो से लेके ए तक लीनियर, जीरो से लेके बी तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ए से लेके बी तक क्या है मेरा आंसर? ए से लेके बी तक वाला जो मेरा पार्ट है वो मेरा पार्ट कौन सा है? नॉन लीनियर कर्व चल रहा है. ठीक है, तो एक बार आप इसको एक बार पहले नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा इसी कर्व के अंदर, और फिर अपन फाइनली फिर क्या पहले इस कर्व को ड्रॉ करो, इस कर्व के अंदर में जितने भी पॉइंट शो करें उस पॉइंट्स को ड्रॉ करो, देन फिर अपन फिर क्या करेंगे इसको नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नोट डाउन कर लें इसे. अब हमें किसको पढ़ना है? अब हमें क्या पढ़ना है कि मैंने आपको कर्व ड्रॉ कर दिया, इसके अलावा और कुछ और छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, देन फिर अपन आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो इसके अंदर में स्ट्रेन के अंदर में डिनोट करता हूँ. जैसे ये पॉइंट 0.2 है, ये मेरा पॉइंट बी है, यहाँ पे मिला मुझे 0.4, फिर यहाँ पे 0.8 मिल गया, देन फिर कंटिन्यूसली मुझे आगे भी मिलती जाएगी स्ट्रेन, मिलती जाएगी. ठीक है, स्ट्रेन. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको नोट करने के लिए स्मॉल ए से डिनोट कर देता हूँ, बी से डिनोट कर देता हूँ. ए बी हो गया, और डी के लिए बोला तो डी हो जाएगा. ए और बी सी वाला कंसिडर नहीं किया, क्योंकि सी और डी, बी से लेकर डी तक तो सेम नेचर है. ठीक है, इसके बाद अलावा मैंने यहाँ पे ई डिनोट कर दिया, और ये मैंने एफ डिनोट कर दिया. क्या डिनोट कर दिया मैंने? एफ डिनोट कर दिया. ठीक है, पॉइंट तो मैंने आपको सारे बता दिए. ए पॉइंट प्रोपोर्शनल पॉइंट हो सकते हो, समानुपाती वाला पॉइंट है. बी पॉइंट आप कौन सा पॉइंट? इलास्टिक पॉइंट हो सकता है. सी और सी डैश लोअर अपर यील्ड पॉइंट, सी से लेके डी तक यील्ड प्लेटू, ई पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एफ फ्रैक्चर पॉइंट लिख सकते हो. ठीक है, अब इसके बारे में बात करूं मैं नेक्स्ट आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट बात क्या है हमारी, कि मैं आपको जीरो से लेके ए तक का भी बताता हूँ, जीरो से बी तक का भी बताता हूँ, देन डी ई वाला भी बता सकता हूँ, तो आप इसको भेज सकते हैं. ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर ले, देन फिर मैं ये पार्ट इरेज करूँगा. ठीक है, तो इसको तो मैंने इरेज कर दिया है यहाँ से, अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं. ठीक है, अब देखो जीरो से लेके ए तक के पार्ट को, किसको? जीरो से लेके ए तक का क्या पार्ट कहला रहा है हमारा? लीनियर डिफॉर्मेशन. बुलाइए मैंने लीनियर डिफॉर्मेशन है जीरो से लेके ए तक का, तो इधर भी जीरो से लेके ए तक क्या है? लीनियर डिफॉर्मेशन है. तो भैया लिख दो लीनियर डिफॉर्मेशन. पहली बात तो मेरी क्लियर होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिफॉर्मेशन क्या है? लीनियर डिफॉर्मेशन. अब जीरो से लेके बी तक का क्या है मेरा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन है. कोई गलत बात बोली मैंने? जब जीरो से लेके ए बी तक मैंने लिखा ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो स्मॉल इधर स्ट्रेन में भी आप बोल सकते हो कि भैया जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था. क्या विद्या? मैंने इलास्टिक डिफॉर्मेशन लिख दिया, फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ बी से लेके डी तक की. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इस बी से लेके डी तक की बात कर रहा हूँ. तो क्या है? परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. क्या बोल सकते हैं आप इसको? परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है बी से लेकर डी तक, तो इसे लिख सकते हो. या फिर परफेक्ट प्लास्टिक यील्डिंग भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट प्लास्टिक यील्डिंग भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट यील्डिंग भी बोल सकते हो, या फिर परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल सकते हो यहाँ से लेके बी से. अब D से लेके E तक का रीजन में क्या बोलूंगा? स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है, ऑब्वियस बात है. तो D से लेके E तक में लिखूंगा, D से लेके E तक क्या हो रहा है मेरा? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है. स्ट्रेन हार्डनिंग जोन भी हो सकते हो, हार्डनिंग जोन. और लास्ट जो मेरा E से लेके F तक का जो है वो कौन सा जोन है मेरा? नेकिंग जोन. तो लिख दो E से लेके F तक का क्या है मेरा? नेकिंग. कौन सा जोन है मेरा? तो ये आप इस तरह से आप इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हो. किसको एनालिसिस कर सकते हो? माइल स्टील कर्व को आप एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करने के लिए या उसकी टेंशन स्ट्रेंथ को निकालने के लिए बाय यूजिंग यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, स्पेसिफिकेशन जो लिए हैं हमने, है ना, स्पेसिमेन की, वो क्या लिए? एल बाय डी का रेशो 4, सेकेंडरी सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड है हमारी,
लोड को अप्लाई किया, स्ट्रेस जनरेट हुई, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब उस पर ग्राफ है और ग्राफ पे जो ग्राफ बनाया मेरा उस पर मैंने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ किया जीरो से ए, लीनियर इलास्टिक ए से बी, नॉन लीनियर इलास्टिक जीरो से बी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन सी और डी डैश पॉइंट जो मैंने बी के अप टू बी पॉइंट तक तो इलास्टिक है, देन बी के बाद प्लास्टिक चल जाए देन में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो या सी डैश और सी पॉइंट जो है मेरे सी और सी डैश पॉइंट क्या है, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट रीजन स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम सी से लेकर डी तक प्लास्टिक प्लेटू डी से ई तक क्या मिला, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन देख में वहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ रही है, ई पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस देगा और ई से लेकर एफ तक का नेकिंग रीजन है और एफ मेरा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वो पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे माइल्ड स्ट्रेस की यील्ड स्ट्रेस कितनी होती है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, और यदि आपसे पूछे कि यदि माइल्ड स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी होती है तो वो कितनी होती है 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। इस ग्राफ के थ्रू ही आपको पता चला कि इसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी, अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी, या फिर इसकी जो हम बात करें कि यदि हम बात करें परमिसिबल लिमिट की, परमिसिबल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं अपन, इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होती है परमिसिबल स्ट्रेस होती है तो वो कितनी, वो अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ ओनली फॉर माइल्ड स्टील का हुआ। इसके बाद अपन फर्दर और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के भी क्या करेंगे अपन कर्व को ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट मटेरियल के भी कर्व को ड्रॉ करेंगे इसी भी आप पे स्ट्रेस स्ट्रेन भी आप पे बाय यूजिंग यूटीएम मशीन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्ट हो गया, इसको आप पहले एक बार इस कर्व को ड्रॉ कर ले और देन फिर अपन इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको लिखेंगे अपन इसी लेक्चर में, देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे हमारे जो डिफरेंट ग्रेड और डिफरेंट ग्रेड के स्टील के कर्व ड्रॉ करने और डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना, हम उसको कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो आप एक काम कीजिए सबसे पहले कि आप इस कर्व को ड्रॉ कर लीजिए पूरी अच्छी तरह से और हर पॉइंट को लिख ले जीरो से, एक बार बोल देता हूं मैं कि जीरो से जो ए वो लीनियर डिफॉर्मेशन है, जीरो से भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपको नहीं नजर आ रहा है, तो बी से डी ए परफेक्ट प्लास्टिक यील्डिंग, डी से ई जो स्ट्रेन हार्डनिंग और ई से एफ जो है नेकिंग जोन है। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने माइल्ड स्टील जो कर्व पढ़ा है, जो हमने कर्व के बारे में स्टडी करी है उसके बारे में हम थोड़े बहुत कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं कि ए पॉइंट पे क्या मिल रहा है, बी पॉइंट पे क्या मिल रहा है, सी और सी डैश पॉइंट किस रीजन की वजह से हो रहा है, एंड देन हमारा ई पॉइंट क्या है और हमारा एफ पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत दो दो तीन तीन लाइनें लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ए पॉइंट के बारे में, किसके बारे में, ए पॉइंट के बारे में। जो ए पॉइंट होता है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ए पॉइंट जो होता है वहां तक के लिए जीरो से लेके ए तक के लिए क्या होता है हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, कर्व जो बनता है वो कैसा बनता है लीनियर कर्व बनता है, कैसा कर्व बनता है हमारा लीनियर कर्व बनता है, और यहाँ पे यदि आफ्टर रिमूवल लोड यदि हम लोड को हटा देंगे तो वापस से वो कौन सी डायमेंशन में चला जाएगा, वापस से हमारे ओरिजिनल डायमेंशन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए पॉइंट जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है हमारा प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है, समानुपाती बिंदु होता है, कौन सा बिंदु होता है हमारा समानुपाती बिंदु होता है, जिसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, क्या एप्लीकेबल होता है हुक्स लॉ वैलिड होता है, और जो वहां पे जो कर्व बनता है वो कैसा कर्व बनता है जीरो टू जो ए कर्व जो बनता है वो कैसा बनता है हमारा लीनियर कर्व बनता है, रेखीय कर्व बनता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया है कि जो ए पॉइंट जो है हमारे प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए होता है और अप टू दिस पॉइंट ए पॉइंट जीरो से लेके ए पॉइंट, तो ए पॉइंट तक क्या होता है हमारा कि हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होता है हुक्स लॉ वैलिड होता है और जो हमारा जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है लीनियर कर्व बनता है। देन इसके बाद हम किस पे आते हैं बी पॉइंट पे आते हैं, कौन से पॉइंट पे आते हैं हम बी पॉइंट पॉइंट पे आते हैं, तो जो बी पॉइंट तक क्या होता है बी पॉइंट तक यदि आपने स्पेसिमेन के ऊपर यदि लोड को जैसे ही हटाया तो वो वापस से किधर चल जाएगा, वापस से अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को ले लेगा, ओरिजिनल साइज एंड शेप को पहुंच जाएगा, कौन से पॉइंट तक बी पॉइंट तक। लेकिन हमने एक चीज देखी थी मैंने जब आपको ग्राफ प्लॉट किया था तो एक बात बोलती कि ए से लेके बी तक जो कर्व होगा वो कैसा होगा अरेखीय कर्व होगा, कैसा होगा अरेखीय कर्व होगा, या फिर क्या बोलेंगे इसे अपन नॉन लीनियर कर्व बोलेंगे, कौन सा कर्व बोलेंगे नॉन लीनियर कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने बी बोल दिया इलास्टिक लिमिट है, बी पॉइंट तक ही क्या आती है आपकी इलास्टिक लिमिट होती है, और बी पॉइंट से जैसे ही थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लास्टिक पॉइंट पे चल जाएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं आएगा। तो जो बी पॉइंट जो है हमारा वो कौन सी है इलास्टिक लिमिट है, और यहाँ पे अप टू दिस पॉइंट स्पेसिमेन विल रिगेन ओरिजिनल डायमेंशन, बी पॉइंट तक के लिए क्या हो सकता है कि वो वापस से अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे पहुंच सकता है बी पॉइंट के पहले पहले तक, जैसे ही बी पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे हुआ तो फिर वो क्या ले लेगा वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, किस में चल जाएगा प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा।
देन इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने दो पॉइंट देखे, एक तो सी डैश पॉइंट देखा था और एक सी पॉइंट देखा था। सी डैश क्या बोलते हैं, हमारा उच्च प्रभाव पराभव बिंदु बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपर यील्डिंग पॉइंट, और सी क्या होता है, हमारा लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है। और उसका मैंने आपको एक रीजन बताया था, आपसे बस ये पूछा कि जो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं वो किस रीजन की वजह से होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन एटम जो होते हैं उनके अंदर स्लिपिंग होने के कारण एक दूसरे से स्लिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से पहले क्या होता है, पहले तो स्ट्रेस क्या बढ़ती जाती है और सडनली फिर क्या होती है, फिर वापस से स्ट्रेस जो होती है वो कम हो जाती है। तो वो कौन सी होती है, सी जो होता है हमारा वो लोअर यील्ड स्ट्रेंथ देगा, जबकि सी डेज जो देगा वो कौन सा देगा, आपका अपर यील्ड देगा। ठीक है, और रीजन मैंने बताया दिया कि आपका जो रीजन है वो रीजन क्या है कि फॉल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द सी एंड सी डैश ड्यू टू द स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम के एक दूसरे से फिसलने के कारण क्या होता है कि हमें दो पॉइंट मिलते हैं, सी डैश और सी पॉइंट मिलता है। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बताई, यदि आपको कोई भी स्टील यदि होता है, यदि स्टील की यदि आपको क्या बढ़ानी होती है, स्टील यदि है और यदि उसकी स्ट्रेंथ यदि इंक्रीज करनी होती है, यदि स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो क्या होगा, उसके अंदर कार्बन एटम भी क्या होता है, कार्बन एटम भी क्या होता है, बढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा, कार्बन एटम जो होगा वो भी क्या होता है, बढ़ता है, बट जिससे क्या होती है उसकी ब्रिटलनेस वो तो क्या होती है, बढ़ती है, जबकि उसकी जो डक्टिलिटी जो होगी क्या होगी, डक्टिलिटी जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये आप इसको अंडरलाइन कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि स्टील के अंदर आपने कुछ ऐसा किया है तो इसकी वजह से ये रिजल्ट होगा, क्या होगा, यदि आपको स्टील के अंदर यदि स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा, कार्बन एटम को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कार्बन एटम यदि आपने बढ़ाए तो कार्बन एटम जो होता है वो किस नेचर के होते हैं, वो आपके ब्रिटल फेलियर होते हैं, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी के होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगी कि हमारे जो स्टील की क्या होगी कि ब्रिटल प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि ऑब्वियस बात है, यदि एक चीज बढ़ेगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, तो उसकी डक्टिलिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा माइल्ड स्टील होता है वो ज्यादा डक्टाइल होता है एज कंपेयर टू एच वाई एच डी बार के। ये भी आप लिख सकते हो कि जो माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील की जो डक्टिलिटी होती है ग्रेटर देन होती है किससे, एच वाई एच डी बार से, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के से ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, हमारे माइल्ड स्टील की होती है। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है एस कंपेयर टू एच वाई एच डी बार के। इसका मतलब क्या है कि कार्बन एटम किस में ज्यादा होंगे, कार्बन एटम एच वाई एच डी बार में ज्यादा होते हैं, इस वजह से क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और इसलिए उसकी ब्रिटल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी एस कंपेयर टू इसके। और इसमें क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, इसका मतलब इसमें कार्बन एटम इसके कंपेयर में कम होंगे और इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी, जबकि इसकी ब्रिटल प्रॉपर्टी थोड़ी इससे कम होगी। दैट्स इट। ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ था हमारा कि सी से लेके डी तक के पॉइंट को हम क्या बोलते थे, प्लास्टिक प्लेट बोलते थे। दैट मींस यहां पे क्या होता था कि यदि हम स्ट्रेस को नहीं भी बढ़ाएंगे तो क्या होगी, कंटिन्यूअसली क्या बढ़ती जा रही है, हमारी स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है कि आपका जो सी से लेके डी तक का जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, आप जिसे बोलते हैं प्लास्टिक प्लेटू या प्लास्टिक पठार बोलते हैं। ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन आर इंक्रीज। ठीक है, बिना स्ट्रेस को बढ़ाए क्या बढ़ती जाती है, आपकी स्ट्रेन बढ़ती हुई जाती है। देन उसके बाद भी हम कौन से पॉइंट पहुंचे थे, ई पॉइंट होता है। ई पॉइंट कौन सा होता है, आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस मिलती है जिसको आपको के इससे ज्यादा कि वो स्ट्रेस आपको नहीं दे सकता है, तो वही इससे ज्यादा आपको वो क्या नहीं दे सकता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं दे सकता है, तो वो उसकी अल्टीमेट पॉइंट होता है, एकदम उच्चतम बिंदु होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्चतम बिंदु बोलते हैं, उच्चतम स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो कौन सी होती है, हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है। और देन लास्ट फाइनली उसके बाद भी यदि हम उसके ऊपर लोड को अप्लाई करते हैं तो एक हमें नेकिंग रीजन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, नेकिंग रीजन मिला, देन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यही जो पॉइंट होगा वो एक पॉइंट कौन सा होगा, आपका फेलियर पॉइंट बोल सकते हो या फिर कौन सा पॉइंट बोल सकते हो, फ्रैक्चर पॉइंट बोल सकते हो। तो इस बिहाफ पे ठीक है, एक कर्व के बारे में स्टडी करी, अभी तो हमने ओनली फॉर कौन से मटेरियल के बारे में स्टडी करी है, ओनली फॉर हमने माइल्ड स्टील कर्व के बारे में स्टडी करी है। देन इसके बाद फिर हमें क्या करना है, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बारे में भी क्या करना है, उसके कर्व को बारे में स्टडी करनी है। देन उसी के बिहाफ पे हम क्या कर पाएंगे, उसको हम डिजाइनिंग में, हम जब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम उसका यूज कर सकते हैं। बट पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एक बार आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि उसका जो डिफॉर्मेशन जो पैटर्न है वो किस पैटर्न में हो रहा है। ठीक है, वो ब्रिटल नेचर का है या फिर कौन से
नेचर का, डक्टाइल नेचर का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस व्याप पे आज के लेक्चर में अपन इतना ही रहने देते हैं, जिसके अंदर मैंने आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है माइल्ड स्टील को पढ़ा है। माइल्ड स्टील के लिए हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज किया, स्पेसिमेन बताया, उसका कर्व ड्रॉ करके बताया और उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। उसके भी आप पे मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, भले अपन ने नोटडाउन नहीं करी हो लेकिन मैंने आपको बताया जरूर था कि वो आरसीसी स्टील जब हम पढ़ेंगे, जब एक एक बार और हम इस माइल्ड स्टील कर्व को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम वहां भी देखेंगे कि हम यदि हमें WSM मेथड का यदि हम यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे परमिसिबल लिमिट तक ही चलते हैं। जैसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर बात करें, LSM मेथड के अंदर, तो हम कहाँ तक चलते हैं, यील्ड लिमिट तक चलते हैं। और यदि स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कहाँ तक के बारे में भी डिस्कस करते हैं, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे, और यदि आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।